क्या आप भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं लेकिन डाउट्स होने के कारण अकाउंट खोलने में हिचकिचा रहे हैं? आखिर डीमैट अकाउंट क्या है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी क्यों है? डीमैट अकाउंट खुलते कैसे हैं? तो आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हम लाए हैं आपके लिए ये वीडियो, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है डीमैट अकाउंट। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टॉक मार्केट क्या होती है और BSE, NSE, सेंसेक्स तथा निफ्टी के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट भी किसी बैंक अकाउंट के जैसे ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बैंक अकाउंट में पैसों का लेन देन होता है, जबकि डीमैट अकाउंट में शेयर्स का। जैसे बैंक्स में अपने पैसे सुरक्षित रहते हैं, ठीक वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर सुरक्षित रहते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट के ज़रिए ही आप स्टॉक मार्केट में से शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट को हम कैसे और कहाँ से ओपन करवा सकते हैं और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है थ्रू बैंक्स। दोस्तों, आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बैंक्स के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, जैसे कि SBI, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। अगर आप उसी बैंक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट पहले से है, तो आपका डीमैट अकाउंट बहुत जल्दी एंड ईजिली ओपन हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास आपकी सारी डिटेल्स पहले से ही रजिस्टर्ड हुई रहती है। सो बैंक आपको 3-in-1 यानी कि बैंक प्लस डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, कुछ बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक डीमैट अकाउंट खुलवाने के चार्जेस नहीं लेती, जबकि अदर बैंक्स ले सकती है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का दूसरा ऑप्शन है थ्रू ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स एंड दूसरे होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, कॉमोडिटी, म्यूचुअल फंड, IPO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनके चार्जेस भी हाई होते हैं। एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान इत्यादि, ये सब पॉपुलर सर्विस ब्रोकर्स के नाम हैं। आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और ये लोग आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन भी कर देंगे। अब हम आते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं तो आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें चार्जेस और सर्विसेज भी कम होती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स, सेनको इत्यादि, ये सब डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं। आप इनके थ्रू भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम आते हैं कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी होता है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए। आपका ID प्रूफ, जिसके लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID इत्यादि का यूज़ कर सकते हैं, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स से 48 आवर्स यानी कि 1 से 2 वर्किंग डेज का ही समय लगता है। एक बार डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड दिया जाता है, जिसके बाद इसका यूज़ करके आप जिस बैंक या जिस ब्रोकर के पास आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उसका एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके
अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।